सो हेलो एवरीवन, आप सबसे लास्ट में मैं आपसे अपनी इनडायरेक्ट टैक्स लॉस की सर्टिफाइड कॉपी शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत ही जल्द इस चैनल पर पेपर नंबर 60 इकोनॉमिक लॉ के रिवीजन लेक्चर डालने वाला हूँ, ऑल दिस फॉर ऑल द 7 चैप्टर्स। एंड इफ़ यू आर यू हैव योर इलेक्टिव एज इकोनॉमिक लॉज, अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोज़ देखना, तो यू मे कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, सो दैट जब वीडियोज़ मैं डालूँ तो आप नोटिफाई हो जाए एंड यू कैन वॉच दैट वीडियोज़। नाउ कमिंग बैक टू माई सर्टिफाइड कॉपीज़, सबसे पहले मैं आपको अपना एमसीक्यू वाला शीट दिखाऊं तो मेरे को 24 मार्क्स रिसीव हुए हैं। तो ये मैंने आपसे एग्जाम पेपर वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या क्या मार्क किया था, वैसे ही मार्क किया हुआ है यहाँ पर। सो आई गॉट अ टोटल ऑफ 24 मार्क्स इन माई एमसीक्यू पार्ट एंड 37 मार्क्स आई हैव गॉट इन माई डिस्क्रिप्टिव एंड दैट कम्स डाउन टू 61 आउट ऑफ 100। तो अभी मैं आपको सर्टिफिकेट कॉपी में बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। और मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स लॉस का पेपर काफ़ी अच्छे से लिखा है, जिसमें मैंने आंसर लिखा है उसमें मेरे को ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स मिल गए हैं, और जो मैंने को नहीं आता था उसमें मैंने बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दिया था। ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, मैं शायद वहाँ पे कुछ लिख देता तो एक दो नंबर आ जाते थोड़ा भी रेलिवेंट, बट मैंने नहीं लिखा था। तो वो आप ना करें, अगर आपको थोड़ा भी कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आता है मैं आपको स्पेसिफिक जगह पे बताऊंगा अभी जहाँ मैं लिख सकता था मैंने लिखा नहीं। सो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस माई मिस्टेक दैट यू हैव टू राइट एनी थिंग विच इज़ रेलिवेंट टू द क्वेश्चन यू शुड राइट। जैसे मैंने डी टी में किया था, मैंने आई डी टी में वैसा फॉलो नहीं किया और वहाँ मैं ऐसे खाली छोड़ा है आई डी टी में, एंड यू सी यू हैव गॉट 0 मार्क्स। अगर मैं कुछ भी जरा सा लिखता शायद एक या आधा नंबर मेरे को मिल जाता। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट विच आई अटेंडेड वॉज 2A, ये 17.5 के ऊपर था, यानी ब्लॉक के 8 के ऊपर था पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसमें 8 एडजस्टमेंट सी मैंने कर दिया, स्पेसिफाइड रीजंस भी दे दिया, ये मेरे को काफ़ी अच्छे से आता था, कॉन्फिडेंस मेरा हाई था इस क्वेश्चन में। एक एंट्री थोड़ी गलत हो गई थी मेरी, बाकी सारे के सारे मेरे क्वेश्चंस भी और रीजनिंग भी वाज परफेक्टली गुड एंड आई गॉट 8 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 9 मार्क्स टोटल एंड आई गॉट 8 मार्क्स इन इट। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट था वो कंसेशनल रेट के ऊपर था। अब देखिए मैंने बिल्कुल खाली छोड़ दिया, शायद मैं थोड़ा बहुत रेलिवेंट लिख सकता था थियरी और मेरे को एक या आधा नंबर कुछ तो मिलता, बट यह मेरे को 0 मार्क्स मिल गए आउट ऑफ 5। सो यू शुड राइट एनी थिंग विच इज़ रेलिवेंट। कंसेशनल रेट अगर आपको नहीं आ रहा है तो यू कैन से कि कैसे कैसे इम्पोर्ट करते हैं, क्या इम्पोर्टेशन के लॉज हैं, कंसेशनल रेट कब, मतलब कुछ भी अगर आप कंसेशनल रेट के अराउंड आपको कुछ भी आता है आप लिख सकते हैं। मैंने नहीं लिखा था पता नहीं क्यों, तो अगर लिख सकता था तो मेरे को लिख देना चाहिए था, शायद 1 मार्क अलॉट हो जाता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था वो POS के ऊपर था, प्लेस ऑफ सप्लाई पे। ये मेरे को बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता था, यहाँ भी मेरा कॉन्फिडेंस हाई था, तो मैंने प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे से किया कि रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा, या फिर अगर रजिस्टर्ड है तो क्या होगा। उसके बाद फिर मैंने इसका कंक्लूजन दिया था, इसके 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट का ये कंक्लूजन दिया और सेकंड पार्ट का कंक्लूजन ये दिया था, यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने एज यू कैन सी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था, तो इसमें मेरे को 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल गए। IDT में यूजुअली मार्क्स कटते नहीं हैं अगर आप आंसर सही लिख रहे हैं, थियरी का आंसर हो या न्यूमेरिकल बेस्ड आंसर हो, IDT में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, यहाँ कोई नंबर आधा भी नहीं काटे अगर आपने बहुत सारी रिलेवेंट चीज़ें लिखी हैं, एक दो चीज़ें मिस भी हो जाएंगी तो भी यहाँ पर आपको नंबर मिल जाते हैं IDT में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन सप्लाई, कि वो एक फॉरबियरेंस था, मतलब वो कुछ एक्ट को एक्ट नहीं कर रहा था बल्कि फॉरबियर कर रहा था, तो उसका मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया था शेड्यूल थ्रू का कि इट्स ऑलवेज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड फॉरबियरेंस भी अपने आप में एक एक्ट है तो वो भी एज अ सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद वो कंसिडरेशन 37 लैक्स वगैरह थी, उसके कैलकुलेशन करके दिखाई थी, तो ये क्वेश्चन मेरा पूरा सही हो गया था, उसमें मेरे को 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल गए थे। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट था यानी कि 3C, तो 3C मैंने छोड़ दिया था, ये SEZ का क्वेश्चन था, इसका तो मैंने क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखा। तो यहाँ भी मैं थोड़ा लिख सकता था कि अगर हम SEZ को सप्लाई करते हैं तो वो भी एज एन एक्सपोर्ट ही ट्रीट किया जाता है, बट वहाँ मेरा दिमाग नहीं चला और मेरे को यहाँ पर कोई मार्क्स मिले नहीं, मैं इसमें मेरे को 0 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल गए थे इस पार्ट के 5 मार्क्स का था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया था अटेंड वो क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 का C पार्ट मैंने अटेंड किया था। तो ये रूल्स के बेस्ड के ऊपर वैल्यूएशन था, वैल्यूएशन ऑन बेस्ड ऑन रूल्स था, नॉर्मल वैल्यूएशन सेक्शन के बेस्ड नहीं था, रूल्स के ऊपर बेस्ड था। तो रूल नंबर मेरे को याद नहीं, आप शुरुआत से देखते आ रहे होंगे 17.5 के अलावा मैंने कहीं भी किसी सेक्शन को कोट नहीं किया है, एक 17.5 को कोट किया था और मैंने शेड्यूल 2 को कोट किया, उसके अलावा मैंने कहीं भी कोई सेक्शन कोट नहीं किया, नंबर पूरे मिल रहे हैं। तो ये मिथ है कि आपको सेक्शन नंबर याद रखना या कोट करना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर मैं 17.5 वाले में भी 17.5 कोट नहीं करता तब भी मेरे को वहाँ मार्क्स मिल जाते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कस्टम वैल्यूएशन के ऊपर था, ये रूल नंबर मेरे को याद नहीं था, मैंने सिंपली बता दिया कैसे कैसे होगा, वैल्यूएशन की कंडीशंस लिख दी, दिस वाज इंपॉर्टेंट, तो ये लिखना बहुत जरूरी था। उसके बाद मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया कैसे कैसे लोएस्ट वैल्यू को लिया जाएगा एंड यहाँ पर मैंने लास्ट में कैलकुलेशन पार्ट दिखा दिया था। तो यहाँ शायद मेरे को थोड़ा सा गलती हो गई थी कि मैंने थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया था रूल को, क्योंकि रूल की फ्रेमिंग जो ये थे मैंने थोड़ा इसको कैजुअली बताया था, अच्छे से नहीं बता पाया था क्योंकि मेरे को याद ही नहीं था पूरा का पूरा रूल, तो इसलिए मेरे को इसमें मार्क्स जो मिले थे वो मिले थे 4 आउट ऑफ 5 के, 5 मार्क्स का था, मेरे को एक नंबर यहाँ पर काट लिया था बिकॉज ऑफ सम थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी कम थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये रजिस्ट्रेशन पे बेस्ड था, मिजोरम की फॉर्म थी,
मतलब मिजोरम में भी उनकी ब्रांच थी, फर्म तो वो कहीं और की, पंजाब की थी शायद। तो यहाँ पर मिजोरम को मैंने ओवरलुक किया था, गलती कर दी थी। तो पहले मैंने एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन दिया। आप देखिए फ्रेमिंग आंसर की अच्छी होना तो आपको नंबर मिल जाते हैं। देखिए मैंने पहले एग्रीगेट टर्नओवर बताया, फिर रजिस्ट्रेशन की कंडीशन बताई, थ्रेशहोल्ड्स बताए, उसके बाद स्पेशल स्टेट वाला भी मैंने बताया यहाँ पर कि 20 लैक्स की नहीं मिलेगी, कुछ कुछ को 40 लैक्स की मिल जाएगी। देन यहाँ पर मैंने एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन किया पूरा अच्छे से, और किस चीज़ को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं उसका रीजनिंग भी दिया साथ में। सो दिस पर दिस शोज दैट योर आंसर, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता तो आपको इन एंड अराउंड काफी चीजें पता है, इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। तो एग्रीगेट टर्नओवर निकाला मैंने, या कंक्लूजन में मैं गलत चला गया क्योंकि मिजोरम नहीं देख पाया मैं। मिजोरम के लिए जो लिमिट होती है वो कम हो जाती है, तो आंसर का जो कंक्लूजन पार्ट था वो गलत हो गया। दैट्स व्हाई आई गॉट 2.5 मार्क्स आउट ऑफ 4। यहाँ मेरे को पूरे मार्क्स मिल जाता अगर मैं मिजोरम को कंसिडर कर लेता। मैं मिजोरम लिखा बट आई फॉरगॉट कम्प्लीटली दैट इट्स अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। सो यहाँ मेरी थोड़ी गलती हो गई थी। उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट मैंने अटेंड किया था, टीडीएस टीसीएस के ऊपर था। तो यहाँ तक तो ये सब सही चल रहा था, लेकिन आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मेरा कैलकुलेशन पार्ट गलत हो गया था। दो पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, मेरे को लग ही रहा था एक पार्ट मेरा सही होगा एक पार्ट गलत होगा। तो एक पार्ट मेरा सही हो गया था, एक पार्ट मेरा गलत हो गया था। बट यहाँ मेरे को 2.5 नहीं, 2 मार्क्स ही मिले हैं आउट, 2.5 ही मिले हैं आउट ऑफ 5 मार्क्स। तो हाफ मार्क्स को एक पार्ट के लिए दे दिए, दूसरे पार्ट के लिए काट लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अटेंड किया था। फाइव का, फिफ्थ का भी मैंने ए पार्ट बिल्कुल नॉन अटेम्प्ट छोड़ दिया था। तो ये फिफ्थ ए जो था ये कंपाउंडिंग के बेस्ड के ऊपर था। कंपाउंडिंग तो मैं छोड़ के गया था, कंपाउंडिंग हमारे मैंने पेनल्टी पड़ी थी, कंपाउंडिंग छोड़ दी थी। तो इस कारण से मैं कोई भी बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैंने अटेंड ही नहीं किया। इसमें मेरे को 0 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल गए। बी पार्ट भी जो मैंने अटेंड किया वहाँ भी मेरी गलती हो गई कि इसमें इस बार अमेंडमेंट्स थी पेनल्टी के अंदर, तो मेरे को अमेंडमेंट्स नहीं पता थी। मैंने जो अमेंडमेंट के पहले वाला प्रोविजन था 100% टैक्स और 50% टैक्स, उस प्रोविजन के बेस के ऊपर मैंने इसको लिख दिया था। तो इसमें तो कोई नंबर मिलना था ही नहीं, तो मेरे को इसमें 0 आउट ऑफ 4 मिल गए। और जो नेक्स्ट पार्ट था इसका वो बैगेज पे बेस्ड क्वेश्चन था। बैगेज भी मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ के आया था, तो ये क्वेश्चन तो मेरा ऐसे ही चला गया पूरा का पूरा। यहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत एक दो एंट्री से सही हो पाई थी। तो इसमें उन्होंने जो मेरे को मार्क्स दिए थे दैट वॉज 2 मार्क्स आउट ऑफ 5, 2 मार्क्स आउट ऑफ 5। तो अब आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 था, 5th था, ये मेरा बहुत गलत चला गया। 0 प्लस 0 प्लस 2 दैट वाज 2 मार्क्स आउट ऑफ 14, वेरी पुअर। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आया था आईडीटी में, जैसा कि आपने सुना और देखा भी होगा अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है। तो लिख दिया था लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें आती थी सप्लाई पे बेस, मेरे प्रोविजंस में पड़े हुए थे अच्छे से, तो मैं अच्छे से लिख पा रहा था। कुछ कुछ शायद कहीं गलत हो गई, गलतियाँ हो गई, एक दो गलतियाँ हो गई, बट मैंने अच्छे से इनको प्रेजेंट किया जो भी मेरे को आता था। नोट्स मैंने काफ़ी अच्छे से लिखे थे सारे, जो भी मेरे को आता था अच्छे से मैंने रेफर किया था। सेक्शन नंबर कहीं भी मैंने कोट नहीं किया, सिर्फ 17(5) जो पहले से ही याद था उसे ही मैं बार बार कोट कर रहा था। उसके अलावा मैंने कोई ज़्यादा सेक्शन कोट करे नहीं, ज़्यादा रिस्क मैंने नहीं लिया कि पता लगा यहाँ पे थोड़ी गलतियाँ हो गई थी। आई थिंक ये रिवर्स चार्ज में मेरी गलतियाँ हो गई थी थोड़ी बहुत, वहाँ पर मैंने ओवरलुक कर दिया था, यहाँ पे आरसीएम की गलती हो गई थी। फिर ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करी थी, इसके भी पर्टिकुलर नोट्स दिए थे, नोट ए बी सी डी, तो ये नोट्स भी मेरे सही हो गए थे। एंड यहाँ पे शायद एक नोट गलत हो गया था। तो टोटल इसमें मेरे को जो क्वेश्चन था मेरे को 8.5 मार्क्स मिले हैं इसमें आउट ऑफ 14, आई थिंक विच वॉज अ डिसेंट स्कोर, जिसमें जितना मैं देख पा रहा हूँ गलतियाँ काफ़ी सारी थी, उसके बावजूद मेरे को 8.5 मार्क्स उन्होंने दे दिए। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि उन्होंने 8.5 मार्क्स दिए। एंड दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई आईडीटी साइड। नाउ अब मैं आपसे सर्टिफाइड कॉपी सारी शेयर कर चुका हूँ, अब मैं आपसे आने वाले टाइम में अपनी इकोनॉमिक लॉ की, मैंने आपसे जैसा कि आपको बताया, रिवीजन लेक्चर शेयर करने वाला हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, दी इम्परफेक्ट सी ए मेरे पेज का नाम है। सारी मेरी पीडीएफ भी वहीं पे मैंने अपलोड की है, और अगर आपको मेरे को पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप वहीं पर जाकर कनेक्ट भी कर सकते हैं। डेट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।